हिटमैन को उन्हीं की पत्नी ने किया है क्लीन बोल्ड। नमस्कार, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं डीएनपी स्पोर्ट्स। भारत और श्रीलंका के बीच टी20 सीरीज का आगाज आज से ही होने जा रहा है। पहला मैच लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा, लेकिन इससे पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने इंस्टाग्राम पर प्रैक्टिस करते हुए अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिस पर उनकी पत्नी रितिका सजते ने मजेदार कमेंट किया है। दरअसल रोहित शर्मा ने इन तस्वीरों को कैप्शन दिया है कि नेक्स्ट अप श्रीलंका। अब रितिका सजदे ने इन पर कमेंट करते हुए लिखा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम मुझे कॉल बैक करोगे प्लीज। अब रितिका सजदे का ये कमेंट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया है। न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज जीतने के बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा की नजर श्रीलंका को शिकस्त देने पर है। टीम इंडिया लखनऊ में आज से ही टी20 सीरीज का आगाज करने जा रही है। इसके बाद अगले दो मुकाबले धर्मशाला में 26 और 27 फरवरी को खेले जाएंगे। श्रीलंका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में रोहित शर्मा को ही भारतीय टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया है। लगातार क्रिकेट खेलने की वजह से फिलहाल रोहित शर्मा अपने परिवार से दूर है। आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट जगत की खूबसूरत जोड़ियों में से एक रोहित शर्मा और रितिका सजदे ने 13 दिसंबर 2015 को शादी की थी। 30 दिसंबर 2018 को दोनों माता पिता बने थे। रितिका को आईपीएल में मुंबई इंडियंस के मुकाबले के दौरान रोहित शर्मा को चीयर करते हुए देखा जा सकता है। 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में भी रितिका भारतीय टीम के सपोर्ट में नजर आई थी। रितिका अभी अपनी बेटी समायरा के साथ मुंबई में है। आपको बता दें कि मार्च में आईपीएल का आयोजन होने वाला है। रोहित शर्मा एक बार फिर मुंबई के कप्तान बनाए गए हैं। वहीं 2022 में ऑस्ट्रेलिया में टी20 वर्ल्ड कप भी खेला जाना है। ऐसे में रोहित के लिए यह साल काफी अहम होने वाला है। रितिका भी इस दौरान हिटमैन का सपोर्ट करते हुए नजर आ सकती हैं। आपको हमारा सेगमेंट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए टीएनपी स्पोर्ट्स के साथ।